बच्चों, मैं शशिकला वर्मा, आपकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज हम पाठ 8, पाठ का नाम है दांत का दर्द। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि दांत में दर्द होने से क्या क्या परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। एक दिन अध्यापक जी ने बच्चों को अपने दांत दिखाने को कहा। उन्होंने सभी बच्चों के दांत ध्यान से देखे। फिर उन्होंने बच्चों से बातचीत की। क्या होता है कि एक दिन स्कूल सभी बच्चे जाते हैं और उनकी स्कूल में उनकी कक्षा में उनकी जो मास्टर होते हैं, शिक्षक होते हैं, तो उन्होंने बच्चों को अपने अपने दांत दिखाने के लिए कहा। वे अध्यापक जो हैं सभी बच्चों के दांतों को ध्यान से देखें, फिर उनसे बातचीत की। फिर उन्होंने उस अध्यापक ने बच्चों से बातचीत की। अब अध्यापक क्या कहते हैं? शाबाश बच्चों, आप सभी लोग अपने अपने दांतों का ध्यान रखते हैं। सभी के दांत साफ हैं, पर दीपा और कमल के दांतों में कीड़ा लग गया है। अध्यापक जी क्या कहते हैं कि गुड बेटा, गुड, अच्छे बच्चे हो आप सभी बच्चों के दांत बहुत ही सुंदर और साफ हैं, लेकिन दीपा और कमल के दांतों में कीड़ा लग गया है। दीपा, क्या बात है? क्या आप रोज़ाना दांत साफ नहीं करती हैं? ठीक है, अध्यापक बोलते हैं दीपा से कि बेटा दीपा, क्या बात है, क्या आप डेली अपना दांत साफ नहीं करती हैं? दीपा कहती है, मैं रोज़ाना ब्रश करती हूँ, पर मेरे दांतों में कभी कभी दर्द होता है। दीपा यह बात किससे कहती है? अपने सर से कहती है, मीन्स अध्यापक से कहती है। अध्यापक जी कहते हैं, पर क्यों? अध्यापक कहते हैं, पर क्यों दीपा? शर्माकर, मैं मीठा बहुत खाती हूँ, दीपा शर्माते हुए कहती है और नीचे करके कहती है कि सर, मैं मीठा बहुत खाती हूँ। अध्यापक जी कहते हैं, मीठा बहुत खाती हो तो क्या, बच्चे तो मीठी चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं। अब अध्यापक जी कहते हैं कि यदि तुम मीठा खाती हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वे अधिकतर मीठा ही खाते हैं। ऐसा अध्यापक कहते हैं। दीपा कहती है, पर क्या मीठा खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है? दीपा अपने अध्यापक से पूछती है यह चीज कि पर यदि हम मीठा खाते हैं तो क्या मीठा खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है? अध्यापक कहते हैं, कीड़ा दांत साफ ना करने से लगता है। भोजन करने के बाद या कुछ भी खाने के बाद अगर जल्दी ही दांत साफ कर लिए जाएं तो उनमें कीड़ा नहीं लगता। कमल, आप टॉफ़ी चॉकलेट खाते हैं? अध्यापक अब उन दीपा और कमल को कहते हैं कि बेटा, यदि आप मीठा खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो कुछ भी खाने के बाद यदि आप अपने दांत को साफ कर लेते हैं, टाइम से साफ कर लेते हैं, तो दांतों में कीड़ा नहीं लगता है। कमल से पूछते हैं, कमल आप भी चॉकलेट खाते हैं क्या? कमल, जी खाता हूँ। अपने अध्यापक जी से कहते हैं कि हाँ सर, मैं खाता हूँ। अमन, अब एक बच्चा अमन है, गुरु जी टॉफ़ी चॉकलेट तो इस समय भी इसकी कमीज की जेब में रखी है। दूसरा बच्चा जो अमन है वह उसकी बात बताते हुए कहता है कि हे गुरुजी, इसकी जेब में तो अभी भी टॉफ़ी चॉकलेट रखी हुई है। बच्चे हंसते हैं। इस बात को सुनकर के बच्चे हंसने लगते हैं। अध्यापक मुस्कुराकर बोलते हैं, उनके अध्यापक जो हैं वह मुस्कुराकर कहते हैं, ये चीज़ें यह आपको भी देता है। ठीक है, अध्यापक जी क्या कहते हैं, मगर ये चीज़ें यह आपको भी देता है या नहीं? अमन कहता है, अमन क्या कहता है, नहीं, किसी को भी नहीं देता, है ना? क्या कहते हैं? तो सभी बच्चे हंसने लगते हैं। अध्यापक जी पूछते हैं
अध्यापक कहते हैं, तभी तो इसके दांतों में कीड़ा लग गया है। क्यों बोले ऐसा? क्योंकि वो पूरे टाइम खाता है टॉफी चॉकलेट, तभी सभी बच्चे हंसने लगते हैं। अध्यापक जी, बच्चों टॉफी चॉकलेट दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अध्यापक समझाते हैं कि बेटा, बच्चों सभी बच्चों ध्यान से सुनिए कि टॉफी और जो चॉकलेट होते हैं वह दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दीपा, क्या आप रात को सोते समय दूध पीती हैं? दीपा से अध्यापक कहते हैं, क्या आप रात को सोने से पहले दूध पीती हैं? दीपा बोलती है, जी हाँ पीती हूँ, मीठा दूध पीती हूँ। वह बताती है कि हाँ अध्यापक जी, हाँ गुरु जी, मैं दूध पीती हूँ पर मीठा दूध पीती हूँ। तब अध्यापक कहते हैं, क्या आप दूध पीने के बाद कुछ देर बाद कुल्ला करती हैं? अब क्योंकि मीठा दूध पीती है तो इसीलिए अध्यापक कहते हैं, क्या आप कुछ खाने कुछ दूध को पीने के बाद आप कुछ देर बाद कुल्ला करती हो? दीपा कहती है, जी नहीं, कुल्ला तो नहीं करती, मैं तो दूध पीते ही सो जाती हूँ। अध्यापक जी से कहती है, नहीं गुरु जी, मैं कुल्ला नहीं करती हूँ और दूध पीने के बाद ही मैं सो जाती हूँ। अध्यापक कहते हैं, यह भी बुरी बात है, इससे भी दांतों को नुकसान पहुँचता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और समय से पहले भी टूट जाते हैं। दांतों में दर्द भी होता है, दर्द के कारण खाना भी ठीक तरह से नहीं चबाया जाता, ठीक तरह से चबा कर ना खाने से पेट खराब हो जाता है। इस तरह से अध्यापक जी समझाते हैं। यह आप सब बच्चों के लिए भी है, जो बच्चे बहुत मीठी चीज़ें खाते हैं और कुछ बच्चे हैं तो जो ब्रश नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ब्रश ही नहीं करते हैं, इसलिए यह बात आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसे ध्यान से समझिएगा कि यदि अगर हम खाना खाने के बाद या दूध पीने के बाद कुछ न, न, अपने दांतों को साफ़ नहीं करते हैं, या आप टॉफ़ी चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना, तो इससे हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इसीलिए हमें दांतों को साफ़ करके ही सोना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे दांत भी टूट जाते हैं, दांतों में दर्द भी होने लगता है, और दांत दर्द होता है तो हम अच्छे से चबा चबा करके खाना नहीं खा पाते हैं। जब अच्छे से चबा करके खाना नहीं खाते हैं तो हमारे दांतों में हमारा पेट भी खराब होने लगता है और इस तरह से कई बीमारियां होने लगती हैं। रेनू जी, मुंह से बदबू भी तो आती रहती है। क्या कहते हैं? मुंह से बदबू भी तो आती रहती है, रेनू बोलती। रेनू चुपके से दीपा की ओर देखती है और दीपा मुंह नीचे कर लेती है। दीपा एक लड़की है, रेनू, है ना, तो अब रेनू कहती है, गुरुजी इसके मुंह से बदबू आती है। तो रेनू क्या करती है, अपना सर झुका लेती है और दीपा मुंह नीचे कर लेती है। अध्यापक, रेनू ठीक कहती है, दांत साफ ना रहने से मसूड़ों में सड़न पैदा हो जाती है, सड़न पैदा हो जाने से बदबू आने लगती है। अच्छा कमल, आप क्या कहते हैं? अध्यापक पूछ पहले तो रेनू रेनू से कहते हैं, रेनू तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यदि हम दांत साफ नहीं करते हैं तो दांत सड़ने लगते हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना जो उसमें रुक जाता है और दांत और सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिससे हमारे दांतों से मुंह से बदबू आने लगती है। फिर कमल से पूछते हैं, क्या कमल आप भी ऐसा करते हैं? कमल जी, मेरे दांतों में भी कीड़ा लग गया है, परंतु मैं अब दांतों की सफाई का पूरा ध्यान रखूंगा, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला जरूर करूंगा, सोते समय दूध पीने के बाद भी कुल्ला करूंगा। अब कमल कहता है, कमल से जब पूछते हैं तो कमल भी बताता है कि हाँ
अध्यापक जी, मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन अब से मैं नहीं करूँगा। अपने दांतों को अच्छे से साफ रखूँगा और कुछ भी खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करूँगा। सोने से पहले दूध पीने के बाद भी कुल्ला करूँगा। अध्यापक, शाबाश कमल, आपने इतना समझ लिया। यह ही बहुत है। हाँ, इसके साथ साथ दांतों का व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। अब अध्यापक कमल से कहते हैं कि गुड कमल, गुड, वेरी गुड बेटा, आपने इन सब बातों को समझ लिया है। तो अब याद रखिएगा कि दांतों का व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। सब बच्चे, दांतों का व्यायाम। अब दांतों का व्यायाम, बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, है ना। अब दांतों का व्यायाम हम कैसे करेंगे? अध्यापक, हाँ, दांतों का व्यायाम। इसके लिए दांतों को नरम चीज़ें के साथ साथ सख्त चीज़ें खाने की भी आदत डालनी चाहिए। सख्त मींस जो कठोर होता है, जो ज़्यादा कड़ा होता है, उसे भी खाना चाहिए। चना, मूंगफली, भुट्टा, गाजर, मूली आदि खाने से दांत मजबूत होते हैं। गन्ना चूसने से भी दांत मजबूत होते हैं। सख्त चीज़ें खाना ही दांतों का व्यायाम है। केवल केवल नरम नरम चीज़ें खाने खाते खाते भी दांत कमज़ोर हो जाते हैं। अध्यापक जी क्या समझाते हैं? हमारे दांतों के व्यायाम के लिए कठोर चीज़ें खाना भी बहुत ज़रूरी है। हम नरम चीज़ें तो खाते ही हैं, साथ में जो जो चीज़ें कड़ी होती हैं, है ना, उन चीज़ों को भी खाना ज़रूरी है। जैसे कि चना, चना कितना कड़ा होता है, मूंगफली, भुट्टा, गाजर, मूली, है ना, इनको चबाने से, इनको चबाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इनको चबाने चबाते रहने से हमारे दांतों का व्यायाम होता है। गन्ना भी कड़ा होता है, कठोर होता है, उसके छिलके निकालो अपने दांतों से फिर चूसो, तो इससे क्या हमारे दांतों की एक्सरसाइज होती रहती है। खाना ही दांतों का व्यायाम है, है ना। केवल जो सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें होती हैं उसको खाने से भी हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। और इतना ही समझाने के बाद घंटी बज जाती है आगे। अच्छा बच्चों, अब इस विषय पर चर्चा यही समाप्त करते हैं। बच्चे, अध्यापक जी क्या कहते हैं, क्योंकि घंटी बज जाती है तो अध्यापक जी बोलते हैं, अच्छा बच्चों, अब हम इस विषय की जो चर्चा कर रहे थे, आपसे जो बातें कर रहे थे, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आप सब यह अवश्य याद रखना कि दांतों की सफाई और उनका व्यायाम स्वस्थ जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यह अध्यापक जी उनके समझाते हैं, किनके बच्चों के अध्यापक समझाते हैं कि दांतों की सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, उनका व्यायाम करना भी बहुत उपयोगी है। तो बच्चों, आप लोग को समझ में आया कि दांतों को साफ रखना चाहिए, यह आप लोगों को भी फॉलो करना है, क्योंकि आप लोग तो क्लास फर्स्ट में हैं अभी, आप छोटे, और आप भी इस तरह की बदमाशी करते हैं। कई बच्चों में दांतों में कीड़ा लगा हुआ होता है, जो बच्चे की ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं, अपने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं। चलिए, शिक्षण संकेत। अब शिक्षण संकेत क्या है, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों के दांतों की सफाई की प्रेरणा दें। उन्हें प्रातःकाल उठने के बाद या सोने से पहले दांत साफ करने के लिए कहें। सही बात है ना, तो ये आप लोगों को करना चाहिए बच्चों, क्योंकि ताकि आप लोग के दांत साफ रहे और दांतों में कीड़ा ना लगे। चलिए, शब्दार्थ है सड़न। सड़न मीन्स क्या होता, चीज़ का गलना, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसे कहते हैं सड़न या सड़ना, इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, समाप्त करना मीन्स ख़त्म करना, किसी भी बात यदि कोई चल रही है तो उसे अब हम उस बात को अब ख़त्म करते हैं, टू एंड। व्यायाम, व्यायाम मीन्स क्या होता है, व्यायाम मीन्स होता है कसरत, कसरत इंग्लिश में जैसे मैं बताई कि एक्सरसाइज। स्वस्थ मीन्स तंदुरुस्त, है ना, हेल्दी, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने दांतों को भी तंदुरुस्त रखें। शक्त मीन्स होता है कठोर, क्या होता है, कठोर। उपयोगी मीन्स लाभदायक, यूजफुल, ओके। तो इस तरह से यह शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ को अवश्य पढ़ें। पहला अभ्यास है, स
सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। का, भोजन की ठीक तरह से भोजन को सॉरी भोजन को ठीक तरह से चबाकर ना खाने से क्या खराब हो जाता है? पेट, स्वाद, मन या दांत? क्या खराब हो जाता है? पेट। खा, दीपा क्या ज़्यादा खाती थी? खट्टा, मीठा, तीखा या नमकीन? मीठा। कैसी चीज़ें खाने से दांतों का व्यायाम होता है? सख्त, नरम, गरम या ठंडे? सख्त। चले, अभ्यास दो है। पाठ के आधार पर सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। का है, अध्यापक ने सभी बच्चों के दांत ध्यान से देखे। अध्यापक ने सभी बच्चों के दांत क्या किए? ध्यान से देखे। फिर है खा, दांत साफ ना करने से उनमें कीड़ा लग जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, दांत को साफ ना करने से दांतों में क्या लग जाता है? कीड़ा। ओके, नेक्स्ट है गा, टॉफी चॉकलेट दांतों को बहुत क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाते हैं। टॉफी चॉकलेट दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। घ है, मसूड़ों में सड़न पैदा हो जाने से, जब मसूड़े सड़ जाते हैं तो क्या होती है? बदबू आने लगती है। मसूड़ों में सड़न पैदा हो जाने से बदबू आने लगती है। चलिए, प्रश्न उत्तर हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये चौथा अभ्यास देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से विलोम शब्द मीन्स उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है, जैसे बुरी, अच्छी, नीचा, ऊंचा, साफ, गंदा, सुबह, शाम। तो इस तरह से जिसका उल्टा अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं, है ना? उल्टे अर्थ जिसका निकलता है उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। चलिए, आइए अब हम अभ्यास तीन है जो कि प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, दीपा के दांतों में कीड़ा क्यों लग गया था? उत्तर है, दीपा के दांतों में कीड़ा इसलिए लग गया था क्योंकि वह कुछ भी खाने के बाद दांत साफ नहीं करता था। दीपा के दांतों में कीड़ा इसलिए लग गया था क्योंकि वह कुछ भी खाने के बाद दांत साफ नहीं करती थी। प्रश्न दो है, सॉरी खा, दांत साफ ना रहने से क्या नुकसान होता है? उत्तर है, दांत साफ ना रहने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं और समय से पहले टूट जाते हैं। दांतों में दर्द भी होता है। प्रश्न गा है, मसूड़ों में सड़न पैदा हो जाने से क्या होता है? उत्तर, मसूड़ों में सड़न पैदा हो जाने से मुंह से बदबू आने लगती है। नेक्स्ट है, दांतों का व्यायाम क्या है? दांतों को कैसे व्यायाम किया जाता है? उत्तर है, सख्त चीज़ें खाना ही दांतों का व्यायाम है। सख्त मीन्स कठोर, कठोर चीज़ें खाना ही दांतों का व्यायाम है। प्रश्न अंगा, लास्ट वाला प्रश्न है, भोजन करने के बाद या कुछ भी खाने के बाद अगर दांत साफ ना किए जाएं तो क्या होगा? विचार करके लिखिए। उत्तर है, यदि हम भोजन करते हैं और उसको दांत ना साफ नहीं करते हैं तो उसमें क्या लग जाएंगे? कीड़े लग जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।